हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नवरात्र के पहले दिन उन्नाव के भक्तों पर आई बड़ी विपदा। मां के भक्तों से भरी बस हुई हादसे का शिकार। तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं की बस को मारी टक्कर। उन्नाव के 50 से ज्यादा भक्त मंगलवार रात एक बस पर सवार होकर मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी के दर्शनों के लिए मंगलवार रात निकले थे। माता के जयकारों के साथ निकले भक्तों को ये नहीं पता था कि उनके लिए आज की रात मुसीबतों वाली होने वाली है। देर रात प्रतापगढ़ के हदगवा के फूलमती के पास जैसे ही बस पहुंची, एक ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि श्रद्धालुओं की बस पलट गई और उसके परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 24 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बस से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 12 श्रद्धालुओं की हालत नाजुक बनी हुई है। 12 बजे एक बस उन्नाव से विंध्याचल के लिए 60 श्रद्धालुओं को लेकर माँ विंध्याचल के दर्शन के लिए जा रही थी। इसी दौरान थाना हथगवा के पुलिया फूलमती बिस्मिया पर एक ट्रक जो कि अपोजिट साइड से आ रहा था, उससे एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, 10 लोग घायल हो गए हैं। जो घायल हैं उन सभी को अच्छे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं। इसका कार्रवाई 7 संज्ञान के आधार पर की जाएगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्नाव के बिदिया गांव के रहने वाले 50 लोग नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने के लिए एक प्राइवेट बस से मिर्जापुर जा रहे थे। माता के जयकारों के साथ उनकी बस तेजी से रात में चलती जा रही थी। उनकी बस जब प्रतापगढ़ के हदगवा थाना क्षेत्र के फूलमती गांव के पास पहुंची, तो लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर दूसरी तरफ से तेजी से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा कितना भयंकर था, इसका अंदाजा आप बस की हालत को देखकर लगा सकते हैं। बस के परखच्चे उड़ चुके थे। इस भीषण हादसे में उन्नाव जिले के धाता के रहने वाले राम नारायण की 12 साल की बेटी संध्या, 50 साल के कृष्ण कुमार और 22 साल के वासु लोधी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद मची चीख पुकार कर सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से 25 से ज्यादा घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि यहां पर 12 यात्रियों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इस हादसे की जानकारी जैसे ही उन्नाव में परिजनों को दी गई, गांव में चीख पुकार मच गई। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं गांव के लोग माता से बाकी बचे लोगों की सकुशल होने की प्रार्थना कर रहे थे। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यूनिज़ यूपी।